For more updates, subscribe to our channel. Click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डियर स्टूडेंट्स. तो इसके पहले हमने जो जितने भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट कर लिया था. लास्ट हमने देखा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब हम देखने जा रहे हैं पेज नंबर 13 के ऊपर. हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ. कि क्या आपने ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है, हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था, उसमें से ऑक्सीडेशन जो आपके डे टू डे लाइफ में होता है वो ऑब्जर्व किया है. उसमें पहला टॉपिक है आपका कोरोजन, जिसको हम नॉर्मल भाषा में जंग लगना या किसी मेटल या चीज का खराब होना हम समझ सकते हैं. सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू बट दे गेट कोटेड विद द रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर द सन टाइम. आपने देखा होगा कि जब लोहा है या आयरन नेल जो है वो नई अगर लेके आए तो बहुत शाइनी और चमकदार रहती है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है. सो वो होता है उसका कोरोजन, यानी कि उसका खराब होना या सड़ना. दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. और इसको रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे पर जंग लगना, नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसमें लोहे को जंग लगना कहते हैं. सम अदर मेटल ऑल्सो गेट टर्निश इन दिस मैनर. कुछ और मेटल भी है जो इस तरह से खराब होते हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है और कॉपर है, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपके डे टू डे लाइफ में है जो आपको जंग लगते हुए दिखाई देंगे. हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटेड फॉर्म ऑफ द कॉपर एंड सिल्वर. अब जैसे एक एग्जाम्पल है, क्या आपने देखा है सिल्वर और कॉपर के ऊपर. सिल्वर जो होता है, जब हम नया नया सिल्वर का कोई यूटेंसिल है या ऑर्नामेंट्स है देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा शाइनी रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर ब्लैकिश जो लेयर है वो आने लगती है. और कॉपर अगर आप देखोगे तो पूरी तरह से वो रेडिश कलर में रहता है, लेकिन धीरे धीरे उस कॉपर के ऊपर ग्रीन जो डॉट्स है वो आने लगते हैं या धीरे धीरे वो रस्ट होने लगता है. When a metal is attacked by substance around it such as moisture, acid, etc., it is said to corrode and this process is called corrosion. तो कोरोड यानी उसके ऊपर अटैक होना, और इस प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन, यानी कि सड़ने की प्रोसेस. तो आपने देखा होगा कि अगर जो यूटेंसिल है मैक्सिमम वो या तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में या डायरेक्टली एटमॉस्फेयर यानी एयर के कांटेक्ट में होता है, या किसी न किसी मटेरियल के कांटेक्ट में आने के बाद उसके अंदर कोरोजन स्टार्ट होता है. सो यहां हम दो एग्जाम्पल देख रहे हैं सिल्वर और कॉपर का. द ब्लैक कोटेड ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोट ऑन द कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन. सो आपको इसकी रिएक्शन आपको फाइंड आउट करनी है कि सिल्वर के साथ क्या होता है कि वो कोरेज हो जाती है, यानी उसकी कोरोजन की रिएक्शन आपको फाइंड आउट करके लिखनी है, और कॉपर की कोरोजन की रिएक्शन आपको फाइंड आउट करके लिखनी है कि किस तरह से उसके ऊपर एटमॉस्फेयर या मॉइस्चर जो है H2O, वो मॉइस्चर के फॉर्म में जब उसके साथ कॉन्टेक्ट करता है तो वो किस तरह से रस्ट यानी खराब होता है. कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ द मेटल्स स्पेशली दोज ऑफ आयरन. सो यहाँ पर बहुत सारे चीजों के नाम लिया, लेकिन स्पेशली आयरन का, क्योंकि आयरन की जो वर्किंग कैपेसिटी है यानी कॉन्टेक्ट करने की या किसी से रिएक्ट करने की, वो कैपेसिटी बहुत ज्यादा है. इसलिए मॉइस्चर के फॉर्म में जब कोई चीज आयरन से रिएक्ट करती है सो आयरन से बने हुए जो ज्यादा से ज्यादा मटेरियल है वो खराब हो जाते हैं कंपेयर टू अदर. जैसे यहाँ नाम दिया है कार बॉडीज, आयरन से बना होता है. ब्रिज, मैक्सिमम आयरन स्टील इन चीजों का यूज करते हैं सो वो रस्टिंग होते हैं. आयरन रेलिंग, जो रेलवे के जो रेलिंग्स होती है या वायर्स होते हैं, सो मैक्सिमम चीजों में हम आयरन यूज करते हैं, इसलिए हम आयरन को ज्यादा कोरोज होते हुए देख सकते हैं. कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि मैक्सिमम, क्योंकि ये लोहा सस्ता और उसको मॉडिफाई करना बहुत इजी है, इसलिए हम मैक्सिमम चीजों में लोहे का यूज करते हैं, और सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है उसका कोरोजन यानी कि उसका सड़ना. सो इट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. इसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखी होगी जो अमेरिका में है. सो स्टैचू ऑफ लिबर्टी इस वक्त आपको ग्रीन कलर की दिखती है, बट वो एक्चुअली ग्रीन कलर की नहीं है, वो पूरा प्योर कॉपर से बनी हुई है, तांबे से बनी हुई है. सो वो कॉपर की जो इतनी बड़ी जो स्टैचू है वो क्यों ग्रीन दिखाई देती है, बिकॉज सालों साल उसके ऊपर जो अटैक होते गया है मॉइस्चर, एसिड, एसिड रेन का, उसके कारण वो पूरी की पूरी ग्रीन हो गई है. सो उसको साफ भी किया जा सकता है, बट साफ करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा, और हर साल इतना मेंटेनेंस
जो गवर्नमेंट है वो नहीं होल्ड कर पाएगी, इसलिए उसको अभी वैसे ही छोड़ दिया गया है। सो वो तांबे की मूर्ति है, जिस तरह अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई हुई है, सो वो जो है वो ब्रॉन्ज की है। सो ब्रॉन्ज जो है वो मॉइस्चर के साथ या एटमोस्फियर के साथ अगर रिएक्ट करता भी है, सो वो उसी फॉर्म में, यानी जो ब्राउन या शायद ब्लैकिश फॉर्म में हमारी जो जो स्टेचू है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, सो वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेचू ऑफ यूनिटी की जो स्टैचू बनी हुई है वो ब्रॉन्ज की बनी हुई है, वो मॉइस्चर से अगर रिएक्ट भी करती है तो वो उसी फॉर्म में डार्क होते जाएगी, सो उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी वो कॉपर की बनी हुई है और उसके ऊपर वो कोरोजन होने के कारण वो ग्रीन दिखाई देती है, अदरवाइज वो ओरिजिनली पूरी तरह से कॉपर की है या रेडिश है। सो एवरी ईयर ऑफ अनॉमस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस डैमेज आयरन। सो यहाँ हम आयरन के साथ देख रहे थे प्रॉब्लम्स कि आयरन से मैक्सिमम हम वर्क करते हैं या आयरन मैक्सिमम जगह पे यूज होता है, सो आयरन का रस्टिंग प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, उसको हर साल उसके जो पार्ट्स है उसको रिप्लेस करना या डैमेज पार्ट्स को निकालना, सो इसके ऊपर मनी और पावर दोनों वेस्ट होता है। सो यू विल लर्न मोर अबाउट द कोरोजन इन चैप्टर 3। तो इस कोरोजन के बारे में हम चैप्टर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है 1.3.2 रेंसिडिटी। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या आपने कभी अपने घर में या बाहर भी बहुत देर से तला हुआ या फ्राइड जो फूड है उसको रखा हुआ है और वो आपको कभी अगर दिया जाता है खाने के लिए तो आपको एक अलग सा उसमें टेस्ट लगता है। रेंसिड यानी कि वो खराब हुआ हुआ है, बहुत देर तक वो ऑयली जो है या ऑयल में कोई चीज बनी हुई है बहुत देर तक रखी हुई है फिर आप खाते हो, सो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है जिसकी वजह से वो खराब हो जाती है। व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। जब फैट और ऑयल से बनी हुई चीजों को बहुत देर तक मॉइस्चर में यानी अगर एटमोस्फियर में खुला छोड़ दिया जाता है तो वो रेंसिड हो जाती है यानी थोड़ी सी खराब हो जाती है, तो जब हम उसको खाते हैं तो उसका जो टेस्ट है और स्मेल है वो दोनों चेंज हो जाती है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट जिसको कहा जाएगा आर एडेड टू फूड कंटेन फैट एंड ऑयल। बहुत से ऐसे जो कंपनीज है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो फूड मटेरियल वो एंटीऑक्सीडेंट को यूज करते हैं ताकि उसके अंदर से जो ऑक्सीजन होने की जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए ताकि वो फूड बहुत दिनों तक प्रिजर्व या सेफ रहे। कीपिंग फूड इज एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन। इसीलिए हमारी जो मम्मी है या घर में जो लेडीज होती है वो तली हुई या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ऑयल से बनी होती है उनको पैक कंटेनर में रखती है ताकि वो एटमोस्फियर के मॉइस्चर से वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए और उसका स्मेल टेस्ट जो है वो चेंज ना हो जाए। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरिंग यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। क्या आपने देखा है कि बहुत बार आपने नॉर्मली देखा होगा कि बहुत सारे फूड मटेरियल्स के बैग जो होते हैं वो थोड़ी सी एयर उसके अंदर होती है यानी वो फ्लशी होते हैं यानी उसके अंदर हवा भरी होती है, सो वो हवा इसीलिए भरी जाती है कि वो जो फूड है वो ऑक्सीडाइज होने से रुक जाए। मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चर यूनिट्स है वो फ्लशी बैग्स बनाते हैं और उस गैस के तौर पर नाइट्रोजन यूज करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन है वो प्रिवेंट करता है फूड मटेरियल को ऑक्सीडाइज होने से। ये आपके बॉटल्स में भी हो सकते हैं क्योंकि बॉटल में भी बहुत सारा जो पोर्शन होता है जैसे आप बहुत सारे फूड मटेरियल जो खाने लायक होते हैं उनमें देखोगे कि मटेरियल के साथ थोड़ा सा गैप होता है तो वहां नाइट्रोजन भरी जाती है। जब आप कभी एकदम से उसको ओपन करते हो तो आपको अलग सी स्मेल आती है तो वह नाइट्रोजन होती है, जब तक आप उस फूड को यूज करना शुरू ना कर दे वो प्रिजर्व रहे इसलिए, और यूज होने के बाद तो वो जल्दी खत्म हो जाती है तो उसका ऑक्सीडाइज होने का कोई डर नहीं होता। बट चिप्स बैग जो है अगर आप इसको ट्राई करना चाहो तो चिप्स बैग में से आप एक पैकेट लेके आओ और उसमें एक आधा होल करके उसकी सारी नाइट्रोजन आप निकाल दो। दो पैकेट आप खरीद सकते हो, एक पैकेट को आप नॉर्मल रखिए उतने ही दिन जितने दिन के लिए आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो दो चिप्स पैकेट के साथ आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपको दो चिप्स पैकेट लेना है, एक पैकेट को आपको कीप वैसे ही रखना है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, दूसरे के अंदर आपको होल करके उसकी सारी नाइट्रोजन निकाल देना है। विद इन 2 वीक्स यानी 15 दिन बाद आप दोनों पैकेट्स में से एक एक चिप्स निकालिए उसको टेस्ट कीजिए तो जो पैक है वो एज इट इज जैसा मैन्युफैक्चर होके आया था वैसा ही लगेगा, लेकिन जिसमें आपने होल करके सारी नाइट्रोजन उसमें से निकाल दी थी उसको अगर आप टेस्ट करोगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा रेंसिड आएगा।
ये आपका एक एक्सपेरिमेंट था कि किस तरह से रेंसिडिटी को आप आइडेंटिफाई करते हो। यहां आपका जो चैप्टर है वो क्लोज होता है। सारे क्वेश्चन आंसर्स और जो एक्टिविटीज है आपकी इसके बाद वो आपको सेल्फ सॉल्व करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद चैप्टर 2। तब तक के लिए जो चैप्टर 1 हो गया है उसको पूरी तरह से एग्जाम कीजिए, चैप्टर 1 के पूरे वीडियोस देखिए, उसके ऊपर एक आपकी टेस्ट होगी। तब तक के लिए गुड बाय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस।